और भाई क्या हाल है। तो ये है लेटेस्ट मोटरोला का माई यू आई 5.0 अपडेट रेडमी के 40 मी 11X एंड पोको F3 के लिए। एंड जो रोम है ना वो पोर्टेड है मोटो X40 से। अब इसमें ना भाई काफ़ी सारे कूल आपको फीचर्स मिल जाते हैं। रोम बेसिकली आपको चाइना बेस्ड मिलती है, बट यहाँ पर जो चेंजेस हैं, जो फीचर्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। इन डिटेल मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो भाई रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन पेज की। तो यहाँ पे आपको जो है अबाउट फोन पेज में माई यूआई का लोगो देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन आता है। उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन 13 है, फेब का सिक्योरिटी पैच लेवल और जो कर्नल है वो यहाँ पे नो कर्नल आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद जो है आप बिल्ड नंबर वगैरह चेक कर सकते हो एंड थिंक शील्ड फॉर मोबाइल का वर्जन भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो पहले जरूरी चीजें चेक कर लेंगे, लाइक आपका जो डिवाइस है वो आपको सर्टिफाइड मिलेगा, वाइड बैंड L1 है, गूगल फोटोज में आपको स्पूफिंग नहीं मिलेगी। ये रोम में चार्जिंग स्पीड है। अब चार्जिंग स्पीड के अंदर भाई मेरे को इशू आ रहा है, मैक्सिमम स्पीड मेरे को 3000 मिलीएम्पियर के आसपास मिल रही है, जो कि काफी कम है 33 वॉट से। तो अगर आपने इसको फ्लैश कर रखा है तो कमेंट्स में जरूर से बताना आपकी चार्जिंग स्पीड के बारे में। तो रोम को जब मैंने नॉर्मली यूज किया, यहां पे जो एक्टिव ट्रेन है अराउंड 7% पर आवर के आसपास मेरे को मिला और जो आइडल ट्रेन है वो देख सकते हो काफी कम है। बाकी डीप स्लीप वगैरह काफी अच्छे से यहां पे इसने मैनेज किया एंड ये गीकबेंच 6 के स्कोर्स आपको मिलेंगे। बाय द वे सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ में आपका सीपीयू बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मेरे को मिल रही है वो स्नैपड्रैगन 855 की है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो 2.84 तक मैक्सिमम जाता है। तो मैक्सिमम जो आपकी प्राइम क्लस्टर होती है ना वो यहाँ पे 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक ही आपको मिलती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली वही आपको मिलेगी। और जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो 6,74,000 के आसपास एंड जो वाइल्ड लाइफ टेस्ट के अंदर स्कोर्स मेरे को मिले वो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। अब स्टॉक कैमरा तो आपको यहां पर कोई भी देखने को नहीं मिलता इस रोम में, बट यहां पर मैंने LMC 8.4 को ट्राई कर रखा है एंड यहां पे जो है सारे लेंजेज वगैरह वर्क कर रहे हैं। अगर आप वीडियो में देखोगे तो स्लो मोशन वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हो एंड यहां पे 1/8x तक भी वर्किंग है, बाकी नॉर्मल वीडियोज में आप 4K 60fps तक वगैरह भी जा सकते हो। ये है रोम के डिस्क्रिप्शंस और यहाँ पे आप देख सकते हो रोम डिक्रिप्टेड है, परमिसिव आपका यहाँ पर जो है वो सिलिनिक्स है ना वो आपका परमिसिव देखने को मिलेगा, सेफ्टी नेट पास आपको मिलता है, AOD का बग है, उसके बाद सम मोटो स्पेसिफिक फीचर्स का बग आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको जो कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है। लाइक अगर आपको 5G वगैरह इनेबल करना है तो यहाँ पे है ना आप इस डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हो, यहाँ पे सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड भाई यहाँ पे ना मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड आपको 3000 mAh के आसपास ही देखने को मिलती है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका नेटफ्लिक्स है ना उसमें L3 आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ डिवाइस मॉडल, बट यहां पे आप उसको स्पूफ कर सकते हो L1 के लिए, बट उसके बाद आपका फेस अनलॉक वर्क नहीं करेगा और फ्लैशिंग स्टेप्स ये रहे। उसके बाद चेंज लॉक्स की बात करें तो यहां पे ना ये कुछ चेंज लॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये वाला अपडेट मैंने यहां पर इंस्टॉल करके नहीं रखा, इससे पहले वाला जो फर्स्ट अपडेट आया था ना वो इंस्टॉल कर रखा है, बट इसका जो चेंज लॉक है वो आप रीड कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो इस वाले बिल्कुल लेटेस्ट वाले अपडेट का मैं यहां पर जो है अपडेट करूंगा। नाउ रोम की स्मूथनेस चेक करेंगे तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप देख सकते हो भाई काफी फास्ट आपको देखने को मिलती है और इवन जो एनिमेशंस है ना वो भी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आए हैं, जो कि आप क्लियरली चेकआउट कर सकते हो। लाइक स्टॉक एंड्रॉइड में होता ना कुछ वैसा सा आपको फील यहां पर आएगा, कुछ इस तरीके से आपको यहां पर जो है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड मिलेगी। एंड थोड़ा अगर रैम मैनेजमेंट चेक करने की कोशिश करें तो भाई रैम मैनेजमेंट भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, बट स्टिल थोड़े से ऐप्स में आपको जो है अभी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, बट यहां पे आप देख सकते हो एज अ डेली ड्राइवर यूज करने के लिए आपको कोई मेजर इश्यूज यहां पे नहीं आने वाले। बाय द वे इसका स्टेटस बार मैंने प्योर स्टॉक एंड्रॉइड से रिप्लेस कर रखा है, बट इसमें आपको जो है मोटोरोला का स्पेसिफिक नया वाला मॉडर्न स्टाइल भी मिल जाता है, अगर आप वो ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके ऑप्शन मैं आपको आगे बता देता हूं। फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना यहां पर लिखा है लॉग इन लेनोवो अकाउंट, बट ये मोटोरोला का जो है डिवाइस है ना उससे पोर्टेड है, बट यहां पर लेनोवो पता नहीं क्यों लिखा है, बट हम जो है आगे पर्सनलाइजेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टैटिक वॉलपेपर्स हैं, कुछ लाइव वॉलपेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको आप चेंज कर सकते हो। कुछ प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, लाइक यहां पे ना आपको कस्टम जो है आइकॉन पैक्स के साथ कस्टम वॉलपेपर मिलेगा, उसका जो टिंट है वो भी आपको मिलेगा और यहां पे जो है कुछ ये वॉल आपको फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे, देन आइकन पैक्स भी आप चेंज कर सकते हो। मोटोरोला का एडेप्टिव मैंने इनेबल कर रखा है, उसके बाद कलर्स का
ऑप्शन मिलेगा और थीम डाइकॉन आप इनेबल कर सकते हो, बट थीम डाइकॉन से बेटर है कि आप यहां पे जो है ये वाला मोटरोला का अडेप्टिव आइकन पैक यूज करो, ये बेटर है। उसके बाद आइकन शेप्स आप चेंज कर सकते हो, ये वर्किंग है। उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आप जो है फॉन्ट साइज वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। देन लेआउट्स का ऑप्शन मिलेगा अप टू 5x5 तक, और यहाँ पे साउंड्स को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे ट्रांजिशन का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। बेसिकली इसको आप जो है सेट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। एज लाइटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम होम स्क्रीन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो है कैरोसेल का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद होम सेटिंग्स है, और यहाँ पे ऐप ट्रे और या फिर ओपन आप इसको सेटअप कर सकते हो। आइकन का साइज कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, उसके बाद ऐप लेवल का ऑप्शन आपको मिलेगा, स्वाइप ऐप एक्सेस का ऑप्शन आपको मिलेगा। देन कंट्रोल सेंटर अगर आप क्लासिक रखना चाहते हो या फिर नया वाला, ये आप ट्राई कर सकते हो। जो भी आपको पसंद है भाई वो आप सेटअप कर सकते हो। देन स्टेटस बार के अंदर इंटरनेट स्पीड, बैटरी परसेंटेज, इन सब चीजों का ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर आप डिस्प्ले में आओगे तो यहाँ पे डार्क थीम का ऑप्शन है, फ्लिकर प्रिवेंशन है, कलर्स में नेचुरल और सैचुरेटेड का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद टैप टू वेक का ऑप्शन है, अटेंटिव डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा, और यहाँ पे रिफ्रेश रेट आप चेंज कर सकते हो। थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हो, जस्ट आपको जो है होल्ड करना होगा थ्री फिंगर्स को और आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे स्वाइप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आप यहाँ पे जो है इसको डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। एज लाइट्स का ऑप्शन है, स्वाइप टू स्लिप स्प्लिट वगैरह का भी ऑप्शन है, वैसे रेडी फॉर का भी ऑप्शन है जो कि लेटेस्ट अपडेट में वर्किंग है, और ये स्क्रीन रिकॉर्डर की आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में देखोगे तो मीडिया कंट्रोल्स का ऑप्शन है, पावर ऑन साउंड्स का ऑप्शन मिलेगा, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन है, और टच जो हैप्टिक्स है ना वो काफ़ी अच्छे हैं भाई, लाइक MIUI में जैसा होता है ना वैसे हैप्टिक्स आपको मिल जाएंगे। और नोटिफिकेशंस में आप चेकआउट कर सकते हो, ये जेस्चर्स हैं जिसमें फ्री फॉर्म एप्स है। सिस्टम नेविगेशन में आपको 3 बटन मिल जाता है बट 2 बटन मिसिंग है, और नेविगेशन बार आप डायरेक्टली यहाँ से हाइड कर सकते हो। थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट यहाँ पे फिर से आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हम बैटरी वाला सेक्शन चेक करें तो बैटरी सेवर का ऑप्शन है, बैटरी यूसेज का जो ग्राफ है वो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे चार्ज बूस्ट का ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग है, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, पावर शेयरिंग है, बैटरी परसेंटेज आप इनेबल कर सकते हो। हालांकि कुछ फीचर्स भाई मोटरोला के स्पेसिफिक हैं तो वो फीचर्स मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ही वर्क करेंगे, यहाँ पे आपके वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। थिंक शील्ड यहाँ पे इनेबल्ड है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। और सिस्टम में आप देख सकते हो यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर आपको रैम बूस्ट और क्विक ऐप लॉन्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप गूगल प्ले सर्विसेज को इनेबल कर सकते हो। सबसे पहले जब आप रोम सेटअप करोगे तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली इसको ट्राई करना। आपको रोम में 60 FPS की गेमिंग करने का मौका मिलेगा, बट जो 60 FPS है भाई क्लोज रेंज में ना उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। लाइक मेरे को ना टचेस के रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एंड रोम में ना उतनी अच्छी आपको जो है स्मूथनेस देखने को नहीं मिलती गेमिंग के टाइम में। सो ये रोम मैं गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट 60 FPS में कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, आपको ऐसे कोई मेजर इश्यूज तो नहीं आने वाले कैजुअल गेमिंग के। यहाँ पे ना जो टेम्परेचर है वो भाई अराउंड मेरा 34 के आसपास मैक्सिमम गया था, बट हाँ थोड़े माइनर फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, लाइक येलो सर्कल में मैंने ट्राई किया था तो वहां पे मेरे को माइनर फ्रेम ड्रॉप्स मिल रहे थे, बट स्टिल रोम के अंदर ना आपको जो है गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन अभी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसको गेमिंग के लिए तो अवॉइड कर सकते हो, बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।